अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विजयदशमी के मौके पर अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में शस्त्र पूजा की, फिर स्वयं सेवकों ने पथ संचलन किया। इसके पश्चात मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों को संबोधित किया। जनभावना को ध्यान में लेकर और देश को हित को ध्यान में लेकर साहसी और कठोर निर्णय लेने की ताकत इस सरकार की है, यह भी सिद्ध हुआ जब 370 को अप्रभावी बनाया गया। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जैसा होना था वैसा हुआ। वे सारे दल जिन्होंने इसका समर्थन किया और बिल प्रस्तुत करना वगैरह सारी प्रक्रिया करने में जो नेतृत्व करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी है, उनका ये कार्य अभिनंदनीय है और उसकी बहुत प्रशंसा होगी। एक शब्द चला पिछले साल, लिंचिंग, ये क्या हमारे यहां होता था? कभी हुआ है? ये शब्द कहां कहां से आए हैं? इसके संबंधित पुरानी कहानी तो एक बाहर जो धर्म ग्रंथ तैयार हुआ उससे मिलती है, उस धर्म से उसके कोई संबंध नहीं। लेकिन घटना कि एक महिला को ऐसे ही पत्थरों से मारने के लिए जुट गए एक गांव के लोग, तो वहां ईसा मसीह पहुंचे और उन्होंने कहा कि इसको पापी है इसलिए आप पत्थर मार रहे हैं, तो ठीक है मारो, लेकिन जो जिसने पाप न किया हो वो पहला पत्थर उठाए। तो सब लोगों को ध्यान में अपनी गलती आई। तो ये घटनाएं कहां की है? जहां की है वहां उसके लिए शब्द है। हमारे यहां ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये छुटपुट समूहों की घटनाएं हैं जिन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा सब लोग चाहते हैं। हमारे देश की परंपरा उदारता की है, मिलकर रहने की है, भाईचारे से रहने की है। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी अधिक खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को।